अगर आप एक नया लैपटॉप या कंप्यूटर लेने की सोच रहे हो तो उसमें स्टोरेज ड्राइव कौन सा डलवाना चाहिए, ये सवाल आपके मन में जरूर होगा। क्योंकि आजकल मार्केट में दो अलग अलग स्टोरेज ड्राइव अवेलेबल है, एक है एसएसडी, दूसरा है एसएसडी। इन दोनों स्टोरेज ड्राइव में से आपके पर्सनल कंप्यूटर के लिए कौन सा बेहतर है, अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। मैं सतीश कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं और चलिए शुरू करता हूं आज का ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं एचडीडी और एसएसडी में डिफरेंस असल में होता क्या है और आपके कंप्यूटर के लिए कौन सा बेहतर है। लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो आपको करना होगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन दिया उस पे भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। जी हां दोस्तों, आजकल स्टोरेज के लिए एसएसडी और एसएसडी ऐसे दो स्टोरेज ड्राइव्स उपलब्ध होते हैं। अगर आपके पास इसकी सही जानकारी नहीं है तो भाई इन दोनों में से आपके लिए बेस्ट कौन सा है ये जानना मुश्किल है आपके लिए। और कई ड्राइव खरीदने के बाद आप इस बात से परेशान ना हो जाए कि भाई यार मेरी रिक्वायरमेंट तो ये थी और मैंने ये ड्राइव क्यों खरीद लिया। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम एसएसडी के बारे में जानते हैं। एसएसडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी है, लगभग 60 साल पहले की दोस्तों। 1956 में आईबीएम द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब सबसे पहला हार्ड डिस्क आईबीएम ये कंपनी ने लाया था मार्केट में दोस्तों। इसकी खासियत ये है कि इसमें ज़्यादा स्टोरेज आपको कम दाम में मिलता है। अगर इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊं तो इसमें एक मैकेनिज्म यूज होता है डेटा स्टोर करने के लिए, यानी कि प्लैटर्स, रीड राइट हेडर, ऐसे मैकेनिकल पार्ट्स इसके अंदर रहते हैं जो डेटा स्टोर करते हैं। जो प्लैटर्स मैंने बताया आपको, इसके अंदर सर्कुलर प्लैटर रहता है। ये प्लैटर्स में ट्रैक एंड सेक्टर में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होता है। ट्रैक यानी कि प्लैटर के ऊपर इनविजिबल सर्कुलर पाथ्स रहता है, जो आपको आंखों से देखना बहुत मुश्किल होता है, मतलब आंखों से दिखाई नहीं देगा दोस्तों, वो इनविजिबल रहता है। ये प्लैटर लगभग 5400 से लेकर 7200 आरपीएम यानी रोटेशन पर मिनट में ये घूमते हैं, और उसके बाद रीड राइट हेडर इसमें से डेटा रीड करके आपके सिस्टम को ट्रांसफर करता है। तो हार्ड डिस्क इस तरह से काम करता है, लगभग इसमें टोटल मैकेनिकल पार्ट्स रहते हैं और ये मैकेनिकल पार्ट से आपको डेटा स्टोर और रीड राइट होता है। वैसे देखा जाए तो हार्ड डिस्क की साइज थोड़ी सी बड़ी रहती है कंपेयर टू एसएसडी। अब एसएसडी के बारे में डिटेल में जानते हैं। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये एक स्टोरेज ड्राइव है और ये अपने मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव की तरह ही होता है, बस इसमें स्टोरेज एज कंपेयर टू पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड से भी ज्यादा रहता है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट्स या मूविंग पार्ट्स नहीं रहता है, जैसे हार्ड डिस्क में प्लैटर्स और रीड राइट हेडर थे, इसमें वैसा कोई भी पार्ट नहीं होता है। इसमें होता क्या है, इसमें एक कंट्रोलर होता है यानी कि एक प्रोसेसर होता है जो आपकी मेमोरी को रीड करता है और राइट भी करता है। तो प्रोसेसर होने की वजह से यहाँ पे जरा डेटा रीड और राइट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। रीड एंड राइट यानी कि डेटा डायरेक्टली लोड और अनलोड यहाँ पे बहुत ही फास्ट होता है। एसएसडी की कंपेयर में इसका साइज तो कम होता ही होता है। एक चिप फॉर्मेट में आपको ये एसएसडी देखने मिल जाती है और उस चिप को एक प्लास्टिक के मेटल में फिट किया जाता है। शुरुआती दिनों में इसके ज़्यादा यूजर नहीं थे, लेकिन आजकल ये टेक्नोलॉजी लोगों को पसंद आने लगी है, क्योंकि इसकी खासियत है इसका स्पीड। हार्ड डिस्क ड्राइव से ज़्यादा इसका स्पीड होता है दोस्तों, और डेटा लॉस होने के चांसेस भी इसमें बहुत कम रहते हैं, क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट है ही नहीं है। इसमें होता है कंट्रोलर प्रोसेसर, तो डेटा लॉस होने के चांसेस कम है। अब आप सोचते होंगे यार हमारे लिए बेस्ट कौन सा है, अगर आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं ये दोनों में से एक ड्राइव, तो कौन सा इंस्टॉल करना चाहिए, कौन सा लगवाना चाहिए। तो चलिए इसके कुछ खास डिफरेंस जानते हैं, इसके बाद तो आपको समझ में आएगा आपके लिए कौन सा जरूरी, क्योंकि ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं, मैं नहीं डिसाइड कर सकता कि आपके कंप्यूटर के लिए कौन सा बेहतर है। मैं बस दोनों की इंफॉर्मेशन आपको बताने का काम करूंगा यहाँ पे, क्योंकि आपकी ज़रूरत अलग है, तो जैसे आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको स्टोरेज ड्राइव इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। तो एसएसडी में अगर देखा जाए तो पावर कम लगता है, पावर कम इस्तेमाल करता है, यानी कि लगभग आधा घंटे की बैटरी आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है लैपटॉप में अगर आप एसएसडी इंस्टॉल कर लेते हो। वही अगर आप एचडीडी इंस्टॉल करते हो, एचडीडी लगा लेते हो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो वहाँ पर ज़्यादा पावर इस्तेमाल होती है, क्योंकि
स्टार्टिंग में मैंने बोला इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट रहते हैं और एक मोटर रहता है जिसके थ्रू वो आपका प्लेटस घूमता है, तो मोटर रोटेट करने के लिए थोड़ा सा पावर यहाँ पे ज़्यादा लगने वाला है। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे ये यह है कि SSD में आपको कम स्टोरेज मिलता है दोस्तों, और उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि ये एक्सपेंसिव है। लेकिन इसके कंपेयर में अगर SSD देखा जाए तो SSD में आपको कम पैसे में ज़्यादा स्टोरेज मिलता है। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाके रेट चेक कीजिए, तुरंत आपको पता चलेगा दोनों के रेट के बीच में कितना डिफरेंस है, कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है, कौन से कम दाम में ज़्यादा स्टोरेज मिल रहा है और कौन सा कम स्टोरेज मिल रहा है ज़्यादा दाम के अंदर। आगे के डिफरेंस के बारे में मैं आपको बताऊं, इसमें मूविंग पार्ट नहीं है तो डेटा मैनेज बहुत आसानी से होता है, तो इसमें बिल्कुल नॉइज़ नहीं होता है। लेकिन अगर हार्ड डिस्क में देखा जाए तो हार्ड डिस्क में नॉइज़ होता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे मैकेनिकल पार्ट है तो थोड़ा सा आवाज़ तो वहाँ पे क्रिएट होता ही है। और हाँ, SSD कंप्यूटर चालू होने के लिए, जिस कंप्यूटर में आपने SSD लगवाया है उस कंप्यूटर या लैपटॉप को बूट टाइम यानी चालू होने के लिए बूटिंग टाइमिंग जो होता है 10 से 15 सेकेंड्स लगता है। लेकिन जहाँ पे SSD इंस्टॉल किया है आपने जिस कंप्यूटर में, उसमें 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइमिंग वो लेता है बूटिंग के लिए। SSD ड्राइव एक सॉलिड स्टेट ड्राइव होने के कारण उसके अंदर कोई मैकेनिकल पार्ट तो है ही नहीं है, कोई मैग्नेटिज्म यूज़ नहीं है, तो उसके ऊपर कोई मैग्नेट का असर नहीं होता है, तो डेटा वहाँ पे लॉस होने के बिल्कुल चांसेस है नहीं है, डेटा लॉस 0%। लेकिन SSD के अंदर एक मैग्नेटिज्म यूज़ होता है, तो इसके लिए उसके ऊपर बाहरी मैग्नेट का असर होता है और डेटा लॉस होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बढ़ते हैं हार्ड डिस्क के अंदर दोस्तों। SSD का जो कॉपी करने का स्पीड है वो लगभग 200 से 550 MB तक है, वही अगर आप हार्ड डिस्क में देखेंगे तो वो 50 से 120 MB है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसका कॉपी करने का स्पीड ज़्यादा है किसका कम है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस मैंने आपको बताया। इसके बाद आपको ये समझ में आया होगा कि आपको कौन सा हार्ड ड्राइव लेना है, और मैं आपको ये जानकारी जरूर देना चाहूँगा कि एक नए लैपटॉप में आप दोनों ड्राइव फिट कर सकते हैं, SSD एज वेल एज SSD। आप अगर लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो आप बोल सकते हो उनको मुझे SSD प्लस SSD दोनों चाहिए। तो वहाँ पे होता क्या है, SSD जो ड्राइव आपको देते हैं वो लोग SSD ड्राइव लगभग 128 GB का वो इंस्टॉल करवा देते हैं वहाँ पे, और उसके अंदर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ताकि आपको फास्ट परफॉर्मेंस मिले, और डेटा स्टोर करने के लिए एडिशनल SSD वो लगाते हैं 1 TB तक का। तो ऐसा लैपटॉप अगर आप खरीदते हो तो आपकी दोनों ज़रूरतें यहाँ पर पूरी हो जाएगी, मतलब स्पीड भी मिलेगा साथ में आपको स्टोरेज भी मिलेगा। तो SSD प्लस SSD अगर आप आपके लैपटॉप में लगवा लेंगे तो वो बेस्ट रहेगा, लेकिन वो आपको पूछना पड़ेगा कि ये SSD और SSD दोनों सपोर्टेड है कि नहीं है, क्योंकि कुछ लैपटॉप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं वही लैपटॉप में ये सपोर्ट होता है दोस्तों। तो ये थी पूरी जानकारी SSD और SSD। आपको क्या खरीदना है वो आप डिसाइड कीजिए, कौन सा हार्ड डिस्क आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में होना चाहिए ये तो आप अब समझ गए होंगे। तो ये इंफॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी है तो एक थम्स अप दीजिए, लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उनको भी पता चलने दीजिए कि यार हार्ड डिस्क के ये दो स्टोरेज ड्राइव रहते हैं और उन्हें कौन सा खरीदना चाहिए वो देख लेंगे वीडियो देखने के बाद, लेकिन आप शेयर जरूर कीजिए उनके साथ। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों, कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पर और भी कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोज है, देखते रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए एक ही कहूंगा, सीखते रहो सिखाते रहो, बाय बाय।